जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला बैरिया टाउन कराची से और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक प्राइवेट कमर्शियल प्रोजेक्ट लिबर्टी ट्रेड सेंटर की लोकेशन के ऊपर। व्यूअर्स, पिछले दो साल से जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इन हालात की वजह से बैरिया टाउन कराची के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए अपना प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना जो है, उसको बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में बहुत सारे बिल्डर्स या तो वो बैरिया टाउन कराची से या तो वो भाग चुके हैं या अपने प्रोजेक्ट की उनकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो काफ़ी स्लो उन्होंने जो है वो कर दी है। लेकिन इन हालात के अंदर भी बैरिया टाउन कराची के अंदर कुछ इस तरह के बिल्डर्स, कुछ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि 200 डेज़ की कम्प्लीशन चैलेंज के अंदर, यानी कि महज 200 दिनों के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त लिबर्टी ट्रेड सेंटर की, जिसके सामने मैं मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मेरे आईएस के बिल्कुल सामने जो है ये वाला प्रोजेक्ट बन रहा है प्रिसिशन 70 कमर्शियल के अंदर। तो इसके बिल्डर की तरफ से यहाँ पर एक कम्प्लीशन चैलेंज है वो दिया गया था कि वो 200 दिनों के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट कर देगा। और यहाँ पर सामने उसने एक वॉच जो है अपनी साइड के ऊपर उसने एक घड़ी जो है वो लगाई हुई है, इसके अंदर 200 दिन जो है वो काउंट होते रहते हैं, यानी कि 200 दिन का कम्प्लीशन चैलेंज है वो इस घड़ी के ऊपर जो है वो काउंट हो रहा है। इसकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको मैं बताऊं तो 2023 के अंदर, यानी कि 14 अगस्त 2023 को इस प्रोजेक्ट की डिगिंग जो है वो की गई थी, तो उस हिसाब से इसकी जो कम्प्लीशन है यानी कि 200 डेज जो है वो तकरीबन मार्च 2024 के अंदर जाकर जो है वो बनते हैं। और हम लोग जनवरी के अंदर यानी कि ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी इसकी जो कम्प्लीशन है उसके अंदर तकरीबन 2 महीने जो है वो पड़े हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इसका ये ग्राउंड प्लस 2 का प्रोजेक्ट है, जितना प्रोजेक्ट आपको ये नजर आ रहा है ग्राउंड प्लस 2, इतनी ही जो है ये वाली बिल्डिंग है। हालांकि यहाँ पर अप्रूवल जो है वो ज़्यादा की होती है इनके पास है, यानी कि यहाँ पर एक ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग जो है बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर महज ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी आखिरी छत जो है, आखिरी छत की शटरिंग जो है इस वक्त जो है लगी हुई है, यानी कि आप इसकी जो इसकी करंट प्रोग्रेस अपडेट है इसको देखते हो आप ये कह सकते हैं कि मार्च 2024 के अंदर जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, कम्प्लीट जो है ये हो जाएगा। और एक और खास बात यहाँ पर जो बिल्डर की तरफ से इसके अंदर जो रखी गई है कि इस प्रोजेक्ट को इसको बनाने के बाद इसको रेंट आउट करने की जिम्मेदारी जो है वो उसकी बिल्डर की खुद ही होगी, यानी कि इसको बनाने के बाद इसको रेंट आउट करने की जिम्मेदारी और जो इसके अंदर जो टेनेंट होगी वहाँ से रेंट लेकर ऑनर को देने की जिम्मेदारी भी बिल्डर की जो है वो खुद ही होगी। तो इसके अंदर कमर्शियल शॉप जो है इसके अंदर ऑफर की गई है, ग्राउंड प्लस इसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर जिसके ऊपर ये अभी शॉप्स बनना जो है शुरू हो चुके हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर इसके अंदर कमर्शियल शॉप्स हैं, कमर्शियल यूनिट्स जो हैं वो इसके अंदर ऑफर किए गए, जो कि आपको अभी भी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जो है आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी किसी किस्म की कोई बैरिया टाउन कराची की कोई फाइल हो और वो फाइल भी हम इसके अंदर जो है इंशाल्लाह वो वेलकम करेंगे। तो अगर आपको इसके हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।